सुप्रभात प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा पांचवी की हिंदी व्याकरण की पुस्तक भाषाकरण के पृष्ठ 124 पर लिखे अपाठित गद्यांश को पढ़ेंगे। यह कार्य आपको 19 जुलाई 2021 को भेजा जा रहा है। यह आवाज़ सुमन शर्मा की है। प्यारे बच्चों, आज का हमारा विषय अपठित गद्यांश है। वैसे तो आपने अपनी पिछली कक्षाओं में भी अपठित गद्यांश का अध्ययन किया है, लेकिन आज हम फिर से इसके बारे में पढ़ेंगे। सब बच्चे अपनी पुस्तक और अभ्यास पुस्तिका खोलकर पढ़ने के लिए तैयार होकर बैठें। मैं पढ़ाते समय आपसे कुछ प्रश्न भी पूछूंगी। इन प्रश्नों के उत्तर लिखने के लिए आप यहाँ 3 मिनट के लिए रुकेंगे। अतः ध्यान पूर्वक अध्ययन करना अति आवश्यक है। बच्चों, अपठित गद्यांश में अपठित का अर्थ है जिसे पहले न पढ़ा गया हो, और गद्यांश का अर्थ है गद्य का अंश, अर्थात गद्य का वह अंश जिसे पहले पढ़ा नहीं गया है या पहले नहीं पढ़ा गया है। अब हम अपठित गद्यांश की परिभाषा इस प्रकार दे सकते हैं, या इस प्रकार हम इसकी परिभाषा को पढ़ेंगे। परिभाषा क्या है? किसी निबंध, लेख, जीवनी आदि का ऐसा अंश जो पहले ना पढ़ा गया हो अपठित गद्यांश कहलाता है, अर्थात जो पाठ्य पुस्तक में पहले पढ़ाया ना गया हो। अब इसका क हम पढ़ते हैं कि क्या क्या बातें हमें ध्यान में रखनी हैं। अपठित गद्यांश को 2-3 बार अवश्य पढ़ना चाहिए। ऐसा करने से प्रश्नों के उत्तर देने में आसानी होगी। ख, प्रश्नों के उत्तर गद्यांश में से ही छांटकर अपने शब्दों में लिखने चाहिए। ग, प्रश्नोत्तर सरल भाषा में लघु रूप में लिखने चाहिए। लघु कहते हैं छोटे,
सारांश के रूप में, छोटे रूप में लिखना चाहिए, और विषय से भटकना नहीं चाहिए। बात कुछ भी पूछी जा रही हो और आप कुछ उत्तर दे रहे हो तो ऐसे विषय से भटकना कहते हैं। फिर घ है शीर्षक, कम से कम शब्दों का हो, कम शब्दों का, या तो एक शब्द का हो बहुत अच्छा है, या फिर दो या तीन शब्दों से अधिक का नहीं होना चाहिए। शीर्षक कहते हैं टाइटल, आप अंग्रेजी में टाइटल कहते हैं, तो वह एक शब्द, दो शब्द या तीन, इससे ज़्यादा नहीं, सबसे अच्छा एक शब्द का माना जाता है। बच्चों, अब मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछूंगी। इन प्रश्नों के उत्तर आप 3 मिनट का अंतराल लेकर लिखेंगे। पहला प्रश्न है, अपठित गद्यांश का क्या अर्थ है? प्रश्न दो, अपठित गद्यांश को कितनी बार और कैसे पढ़ना चाहिए? प्रश्न तीन, अपठित गद्यांश का शीर्षक कैसा होना चाहिए? बच्चों, अब आपके अंतराल की अवधि समाप्त हुई। आशा है आपने पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिख लिए होंगे। पूछे गए प्रश्नों के उत्तर इस प्रकार हैं। उत्तर एक, गद्य का वह अंश जो पहले नहीं पढ़ा गया हो वह अपठित गद्यांश कहलाता है। उत्तर दो, अपठित गद्यांश को 2 या 3 बार उच्च स्वर में पढ़ना चाहिए। उत्तर तीन, अपठित गद्यांश का शीर्षक कम से कम शब्दों का होना चाहिए, 1, 2 या 3 शब्द से अधिक ना हो। बच्चों, अब मैं आपको पृष्ठ 126 पर लिखे अपठित गद्यांश को पढ़कर सुनाऊंगी। सब बच्चे ध्यान से इसे सुनेंगे, समझेंगे और लिखेंगे। अब इसका अपठित गद्यांश है क, जो क दिया हुआ है वह है कि कपिल वस्तु में शुद्धोदन नाम के एक राजा राज करते थे। उनके पुत्र का नाम सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ का एक चचेरा भाई देवदत्त था। दोनों के स्वभाव में जमीन आसमान का अंतर था। सिद्धार्थ अत्यंत उदार और दयालु था, जबकि देवदत्त अत्यंत क्रूर
और क्रोधी स्वभाव का था। एक दिन वे दोनों बगीचे में खेल रहे थे, तभी उन्हें आसमान में एक हंस उड़ता दिखाई दिया। देवदत्त ने अपने धनुष से उस पर निशाना लगाया। हंस घायल होकर गिर पड़ा। घायल हंस को सिद्धार्थ ने उठा लिया। उसने उसके पंखों से तीर निकाला और उसकी मरहम पट्टी की। तभी देवदत्त सिद्धार्थ के पास आया और बोला, मैंने उसे तीर से गिराया है, अतः यह हंस मेरा है। देवदत्त की यह बात सुनकर सिद्धार्थ तुरंत बोला, यह मेरा है क्योंकि मैंने इसकी जान बचाई है। बच्चों, इस उपरलिखित गद्यांश को ध्यान से पढ़ोगे। अब मैं गृह कार्य दे रही हूँ। इस कार्य को सुंदर लेख में लिखोगे। अब ये देखिए कि सिद्धार्थ ने कहा कि यह मेरा है क्योंकि मैंने इसकी जान बचाई है। इसका मतलब यह है कि जान बचाने वाला बड़ा होता है और मारने वाला छोटा होता है। तो यहाँ सिद्धार्थ बड़ा हुआ और देवदत्त छोटा। गृह कार्य है, प्रश्न एक, कपिल वस्तु में किसका राज था? प्रश्न दो, सिद्धार्थ के चचेरे भाई का क्या नाम था? प्रश्न तीन, हंस को तीर किसने मारा था? प्रश्न चार, घायल हंस की मरहम पट्टी किसने की? प्रश्न पांच, सिद्धार्थ और देवदत्त के स्वभाव में अंतर लिखिए। टिप्पणी, सब बच्चे अपने अभिभावकों के समक्ष बैठकर कार्य करेंगे। धन्यवाद।